जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हाल ही में 92 साल की फेमस लीजेंड सिंगर लता मंगेशकर पहुंची अस्पताल क्योंकि उन्हें हो चुका है कोरोना। जी हां, कोरोना की चपेट में आने के बाद लता मंगेशकर को लेकर आई बड़ी खबर सामने, जहां पर उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। बता दें कि अब ट्रीटमेंट के बाद लता मंगेशकर की हालत में सुधार है, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि जो लता मंगेशकर अपने घर से 2 सालों से बाहर नहीं निकली, उसे कोरोना कैसे हुआ उसका सच भी अब सामने आ चुका है। दरअसल दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर कोरोना वायरस की चपेट में आई, जिसका खुलासा तब हुआ जब ये सच सामने आया कि लता मंगेशकर के घर पर काम करने वाला कर्मचारी पहले से ही कोरोना पॉजिटिव था और उसी शख्स के कांटेक्ट में आने के बाद लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके चलते उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जी हाँ, भारत रत्न और महान सिंगर लता मंगेशकर इस वक्त कोरोना पॉजिटिव के होने के बाद अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर्स की बेस्ट टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है। आपको बता दें कि अभी तक लता मंगेशकर की हालत नॉर्मल बताई जा रही है और वही जानकारी के अनुसार लता मंगेशकर को अपने कर्मचारी की वजह से ही कोरोना हुआ था। उनके घर पर काम करने वाला हाउस हेल्पर कोरोना पॉजिटिव था, जिसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद लता को कोरोना हो गया, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में एडमिट करवाया गया। तो यह है पूरी खबर, जहां पर उनके घर पर काम करने वाले शख्स की वजह से ही लता मंगेशकर को हुआ कोरोना। नेक्स्ट सन लाइफ की रिपोर्ट।